स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना राज किचन में। तो यहाँ मैंने आज करेले बनाए हैं, भरवा करेले इस तरीके से, और इनकी फिलिंग भी काफी अच्छी हुई है, देखिए। तो भरवा करेले की रेसिपी जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और भरवा करेले के साथ मैंने यहाँ दाल भी बनाई है। तो ये हमारे यूपी का एक फेमस कॉम्बिनेशन है, जिसे दाल करेले, अरहर की दाल और करेले बनाए जाते हैं, तो मैंने आज वही बनाया है। तो इसके साथ मैंने रायता और चावल भी बनाए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। तो करेले को सबसे पहले क्या करेंगे, धुल के मैंने इन्हें साफ कर दिया था और ये सूख भी चुके हैं। तो इस तरीके से इसमें कट लगा लेंगे, क्योंकि भरवा करेले के लिए हमें मसाला अंदर फिल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक लंबा कट लगा लें और इस तरीके से देखें, ये करेला इस तरीके से खुलना चाहिए जिसमें हम मसाला फिल कर सकें। तो यहाँ मैंने सारे करेले कट करके रख लिए हैं इस तरीके से, देखिए सारे करेलों को मैंने काट लिया है। तो अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, तो अब मैं यहाँ लेने वाली हूँ नमक। यहाँ मैंने 2 से 4 बड़े चम्मच नमक लिया है। अब मैं सारा नमक इन करेलों के ऊपर डाल दूंगी। सारे करेले आप नमक में लपेट दें और उसके बाद इसे हम धूप में रख देंगे 2 घंटे के लिए, जिससे इसका कड़वापन चला जाएगा और हमारे करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। तो धूप में इन्हें 2 से 2.5 घंटे भी रख सकते हैं। करेलों को 2 घंटे हो चुके हैं धूप में रखे हुए और ये इस तरीके से हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल में पानी रख लिया है, यहाँ मैंने साफ पानी लिया है। तो हम करेले को इसमें ऐसे धो लेंगे अच्छे से, इसका सारा नमक निकल जाएगा। और इस तरीके से हम अपने सारे करेले पानी में डाल के इस तरीके से इन्हें साफ कर लें। इस तरीके से हम सारे करेले साफ कर लेंगे पानी में डाल के, सारा नमक निकाल देंगे इसका। तो यहाँ मैंने करेले पानी में साफ कर लिए हैं, नमक भी अच्छे से निकल चुका है। तो अभी यहाँ मैं 10-15 मिनट के लिए इन्हें रख दूंगी, तो इनका पानी अच्छे से सोख लेंगे। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं, करेले ने अपना पानी सोख लिया है। तो अब इसके लिए हम बनाने वाले हैं स्टफिंग, जो हम इसमें स्टफ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है सौंफ, बहुत सारा लहसुन, 2 बड़े प्याज, हरी मिर्च और ये कच्चा आम। तो मैंने यहाँ मिक्सी का जार लिया है, मैं इस मसाले को पीस लूंगी। तो सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी। यहाँ मैं अभी 1/2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसे पीस लूंगी। तो मसाला पीस के तैयार है। तो देखिए इस तरीके से हम मसाले को पीस लें। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं लूंगी एक बाउल। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हींग। इसे हम मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ। नमक आप टेस्ट कर लें, मैंने पीसते टाइम डाल दिया था। अगर नमक कम होता है तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा कम हो तो हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक ठीक है, मुझे नहीं डालने की जरूरत है। अगर आपका नमक कम हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो स्टफिंग बनके तैयार है। तो चलिए अब हम करेले की स्टफिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिए थे, अगर बीज हो तो आप बीज निकाल सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से फिल कर देंगे, हाथ से ही फिल कर ले, हाथ से काफी अच्छे से फिल होता है। और इसे हल्के हाथ से दबाना है। तो अपने सारे करेले हम ऐसे ही फिल कर लेंगे मसाला अंदर तक। तो फ्रेंड्स सारे करेले फिल हो चुके हैं, स्टफिंग जो थी इसकी मैंने सारी फिल कर दी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और इसमें तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, मैंने तब भी थोड़ा कम यूज करने की कोशिश की है, लेकिन तेल तो थोड़ा चाहिए होगा तो मैंने डाल दिया है। एक एक करके अपने करेले इस तरीके से डालना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हमें मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे करेले ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो इस तरीके से आप चारों तरफ इन्हें पलट पलट के सेक लें तेल में, अच्छे से भून लें इसे तेल में, इस तरीके का कलर आ जाए इसका मतलब हमारे करेले बन चुके हैं।
तो मैं इन्हें 10-15 मिनट और भूनूंगी, उसके बाद हमारे करेले बनके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स करेले बनके तैयार हैं, देखिए किस तरीके से। अब मैं इन्हें एक बाउल में निकाल दूंगी। तो देखिए भरमा करेले बनके तैयार हैं और ये जल्दी बन जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से करेले बना के ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ईजी सी रेसिपी है।